Hey everyone, I hope you guys are enjoying the vlog and finding Himachal tour interesting. और आज हम आ गए हैं अपने नए पार्ट में और आज का व्लॉग होने वाला है हिमाचल टूर पार्ट 5 और जिसमें कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ हिमाचल में हमारा डे 2 विच इज़ मकलौड़गंज. हम ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, आपने देखा था लास्ट पार्ट में कि हम ऑलरेडी मकलौड़गंज पहुँच चुके हैं. तो यस गाइज, चलते हैं और शुरू करते हैं अपना डे 2 इन मकलौड़गंज. गुड मॉर्निंग एंड दिस इज डे 2 इन मकलौड़गंज. और आज हमारी मॉर्निंग थोड़ी लेट हुई है क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा देर से हम सोए थे और अगेन न्यू प्लेस तो नींद तो लेट आनी ही है, तो इसीलिए और पूरे दिन ट्रैवल करके हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो इसीलिए आज मॉर्निंग में वी वोक अप अराउंड 9:30 और 10 क्योंकि उठते उठते हो गया. बट 11 बजे अभी हमें जाना है एक जगह पर जो हम अभी आपको दिखाएंगे जब हम निकलेंगे. और तो कल बहुत ज़्यादा मतलब थक गए थे इसलिए रूम टूर नहीं हो पाया था. आई थॉट कि मैं कल ही करूँ लेकिन कोई नहीं, हम आज करेंगे और मैं आपको अभी दिखाऊंगी. और अभी मैं हो गई हूँ रेडी एंड ही इज़ गेटिंग रेडी देयर. तो वी आर ऑलमोस्ट सेट टू लीव, तो जस्ट गिव अस लाइक 10 मिनट्स एंड वी आर बैक एंड आई विल जस्ट शो यू द रूम टूर मीनवाइल. सबसे पहले आई एम डूइंग वेरी क्विक मेकअप गाइस बिकॉज आई नीड टू शो यू द रूम्स. तो चलते हैं फटाफट, पहले क्विक वाला मेकअप कर लेते हैं. क्या किया था सारा आयरन किया है ना. तो गाइस चलते हैं और करते हैं रूम टूर. उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ रूम नंबर है D2 और यहाँ से एंट्री होती है इजी गेट. ओके सो लेट्स कम इन एंड हियर यू विल सी दिस पैसेज. यहाँ पे आपको और भी कमरे हैं जैसे कि ये देखो, ये एक ये स्टोर रूम है, यहाँ पे कमरा है, यहाँ पे कमरा है एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल व्यू यहाँ से क्योंकि वेंटिलेशन होता है. और राइट तो यहाँ पे है ये विंडो, दिस इज आर रूम जो हमने लिया हुआ है एंड नेक्स्ट टू दैट देयर इज अनदर रूम. और राइट तो हम करते हैं अपने रूम में एंटर. ये इट इज ऑलरेडी ओपन. यहाँ पे एंट्रेंस पे आपको मिल जाती है येलो वाली लाइट विच इज वार्मिंग, बहुत ही वेलकमिंग प्लीजिंग आपको फील देता है और बहुत ही अच्छा आपको वाइब आता है. तो वंस यू कम इन यू हैव बाथरूम जो आप यूज कर सकते हो, इट इज वेस्टर्न एंड वाइट कलर का, बहुत ही बड़ा है बाथरूम, बहुत ही ज्यादा यू नो स्पेस है इसमें. आपको हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है बिकॉज हिमाचल में है तो आपको गर्म पानी भी चाहिए नहाने के लिए और हर चीज़ के लिए. तो गीजर लगा हुआ है, इसमें बेसिन है और इट इज वेस्टर्न बाथरूम एंड इसमें गर्म पानी ठंडा पानी सब कुछ है. और राइट तो वंस यू टर्न हियर आप देखोगे कि जो इसका इंटीरियर कैसा किया ये रहा. यहाँ पे एक कर्टन, आपको जैसे ही हम इसको बंद करते हैं तो ये कर्टन मिल जाता है एंड देन ये आप इंटीरियर है. और उसके बाद यहाँ पे आपको किचन भी मिल रहा है. तो अगर सपोज आप, हम तो क्योंकि थोड़े टाइम के लिए आए हैं एटलीस्ट फॉर 1 or 2 days, अगर जो आप आते हो लेट्स से फॉर अ वीक और फॉर 15 days, क्योंकि ना क्या होता है यहाँ पे मकलौड़गंज में मोस्टली इंटरनेशनल पीपल आते हैं, बाहर से लोग आते हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं महीना भर रहते हैं, तो उनको ऐसी ही जगह चाहिए होती है जो कि बजट में भी हो और उनको यहाँ पे सब कुछ खाने बनाने का सारी फैसिलिटी मिले बिकॉज वो अपने फैमिली के साथ आते हैं मोस्टली और कभी कभी अकेले भी आते हैं. तो ये टैब अच्छा खासा मिला है, तो ये इज अ वॉटर एंड ये प्लेटफॉर्म है, आप कुछ भी स्टोर करके रखो, जिसमें आप अपना स्टोव रख सकते हो, आप कुक कर सकते हो, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें रख सकते हो. देयर इट इज एंड फ्लोर आप देख लो, फ्लोर भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे मैट है. राइट तो उससे आगे हम आते हैं तो ये एक दिया हुआ है कवर जिसमें आप स्टोर कर सकते हो. आई जस्ट शो यू दैट इज वेल. उससे पहले करते हैं लाइट को चालू. ये रहा, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है जो हमेशा जो व्हाइट वाली लाइट सबके घर पे होती है, दिस इज दैट. और इन टोटल जब लाइट येलो वाली और ये वाली मिलती है तो इन कंप्लीट रूम का वाइब बहुत अच्छा हो जाता है. तो आई जस्ट शो यू द कबर्ड. कबर्ड में इंपॉर्टेंट नोटिस सब कुछ यहाँ पे उन्होंने बता रखा है, तो यू कैन रीड क्या कैसा है, उन्होंने यहाँ पे बता रखा है क्या इंस्ट्रक्शन है.
ये एक कबर्ड है जहाँ पे अगर आप आते हो यू कैन आराम से कीप ऑल द लगेज ऑफ क्लोज़ एक दो तीन और ये यहाँ पे है नीचे भी पूरा अच्छा खासा स्पेस दिया हुआ है तो हमने यहीं पे रखी है चीजें सारी एंड यू कैन क्लोज दिस एंड दिस इज डन। फिर यहाँ पे ये दो चेयर है एंड देन ये एक स्टडी टेबल आप बोल सकते हो अगर कोई वर्क कर रहा है जैसे कोई बहुत टाइम के लिए है यहाँ पे और काम करना चाहता है तो दिस इज टेबल चेयर भी ऐसे नहीं है मतलब हैज रियली गुड गद्दा ऑन इट तो दिक्कत नहीं है टेबल चेयर एंड देन यस दिस इज अ बेड। इनकी खासियत है क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया जब जैसे हम हिमाचल की तरफ बढ़ रहे थे और हिमाचल में आ रहे थे सडनली कोल्ड बहुत ज्यादा बढ़ गया क्योंकि हम जहाँ से आ रहे हैं लुधियाना से आ रहे हैं तो लुधियाना में अभी इतना ठंडी नहीं आया है यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी हो गई और फॉग इतना ज्यादा बढ़ गया और बादल दिखने लगे तो एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि हम बादल में ही घूम रहे हैं ऐसा भी था तो इसीलिए यहाँ पे ठंडी बहुत ज्यादा है और यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखा गया है इसीलिए मैंने बताया वहाँ पे गर्म पानी भी है आपको नहाने के लिए ठंडा गर्म पानी दोनों है तो जो आपको यूज करने के लिए है इसे गद्दा कहते हैं जो ओढ़ने के लिए है दो दिया हुआ है और उसके साथ पिलो एंड दिस गद्दा दिस इज डबल बेड और एक और एक्स्ट्रा छोटा सा सोनी का टीवी है यहाँ पे और ये टीवी है जिसका रिमोट है जो कि मुझे चालू नहीं किया नींद नहीं लगी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी तो ये टीवी है एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये पीछे की बालकनी गाइस अब ये सबसे इम्पोर्टेंट सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है और इसी के मैंने इस रूम को भी डर किया कि हाँ भाई इसमें हम आते हैं तो आई जस्ट शो यू दैट जैसे आप ये कर्टन ओपन करते हो ये रहा व्यू और यहाँ से बालकनी है बालकनी के बहुत अच्छा व्यू है बहुत ही रिफ्रेशिंग व्यू है तो वो हम देखते हैं यहाँ से फ्रेश एयर आती है बहुत अच्छी हाँ वो भी है पता है ये भी हुआ कि इनको टाइम मिला ये बालकनी का पूरा व्यू देख कर है मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला तो मैं आपके साथ ही पहली बार बालकनी देखने जा रही हूँ लेट्स गो एंड सी तो हमने फिलहाल विंडोज को बंद कर रखे हैं बट आई जस्ट ओपन दिस फॉर यू गाइस हिमाचल है और यहाँ पे बंदर ना हो ऐसा हो नहीं सकता गाइस तो ये चीज हम देख लेते हैं अभी तो हमें इसका ध्यान रखते हैं काफी और हम उसको ओपन करते हैं अजी मंदिर देखते हैं अजी ओ माय गॉड दिस इज ऑसम बालकनी बालकनी वाओ एंड पीछे से लगा हुआ ये दूसरा रूम है जिसकी बालकनी ये है तो ये हमारी बालकनी है गाइस ये बाजू में बालकनी जो है यहाँ पे डेकोर करके रखा है तो काफी टाइम से रह रहा है ऊपर भी आप देखोगे बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे टेरेस है वहां पे भी पूरा डेकोर किया हुआ है स्टेयरकेस है यहाँ से नीचे जाते हैं और वहां पे आप देखो वो ट्रैकिंग का पूरा है मेरा तो काफी अच्छा वहां पे है वो उनका ऑफिस है बेसिकली All right, and see the view. So guys, that's it about the room, and I hope you have liked the room. And if you have, do like, share, subscribe to my channel. उसके अलावा हमें हमने कैसे बुक किया हमने कैसे फाइंड आउट किया कैसे क्या सारी चीज़ें की वो हम आगे बताएंगे आपको क्योंकि ये सारा हसल और सारा क्रेडिट गोज टू हिम तो उनसे बात करेंगे इनसे बातचीत में हम जानेंगे कि इन्होंने कितनी स्ट्रगल करके इस रूम को बुक किया है और कैसे क्या किया तो यस गाइस स्टे ट्यून्ड कैसा रहा हमारा रूम टूर आप जरूर कमेंट में लिखना
और अभी तक का जो हमारा जर्नी था टोटल हमने आपको दिखा दिया, आज ही हम जहाँ जहाँ जाएंगे वो आपको हम जरूर दिखाएंगे और बने रहिए हमारे साथ में। आज देखो हम कहाँ क्या रखते हैं, क्या क्या जाते हैं, क्या क्या एक्साइटमेंट होता है यहाँ पे, क्या क्या एडवेंचर होता है, वो हम जरूर कैप्चर करेंगे ताकि आपको दिखा सकें यहाँ पे क्या होता है। आप जब भी आप भी आओ तो आपको आइडिया रहे यहाँ जाना है, करना है। तो अभी तक तो जर्नी बहुत अच्छी थी और हमको बहुत मज़ा आया, हमने बहुत अलग अलग चीज़ें देखी। अभी हम और चीज़ें एक्सप्लोर करने जाने वाले हैं आज। इनफैक्ट अभी हम लेट हो रहे हैं एक जगह जाने के लिए, तो वहाँ के लिए निकलते हैं, वो भी दिखाते हैं। बट गाइज मीन वाइल इफ यू हैव लाइक द रूम टू डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड यस इफ यू हैव एनी कंसर्न एनी डाउट कि कैसे क्या बुकिंग करनी है, कैसे आना है, कैसे जर्नी प्लान करनी है, प्लीज डू लेट अस नो बिकॉज देन वी विल गो इन कॉन्वर्सेशन विद हिम देन बिकॉज इट इज ऑल क्रेडिट गोज टू हिम एंड या। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर नेक्स्ट स्टेप। सो इन द मॉर्निंग दिस इज़ द व्यू हियर, यहाँ पे ही हम रात को आए थे। शॉप्स एंड ऑल एवरीथिंग इज ओपन एंड दिस इज़ निक इटालियन किचन, यहीं पे हम आए थे। तो अभी हम चलते हैं, बात करते हैं फिलहाल। तो अभी हम फिलहाल जा रहे हैं मार्केट की तरफ और मॉर्निंग व्यू मैं आपको कैसे ना बताऊं। अभी हो रहा है 11:40 एंड दिस इज दी एनवायरमेंट हियर। ओके वन मोर थिंग, हम अभी जा रहे हैं फिलहाल एक इवेंट के लिए जहाँ पे हमें शाम को इनवाइट किया गया था, तो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट। उससे पहले अभी हम गए थे अपने रूम का टाइमिंग एक्सटेंड करवाने और हमने बाइक भी रखी थी गैराज में, तो वो चीज़ पूछने की हाँ हमें कैसे ले सकते, बिकॉज आफ्टरनून में आफ्टर दैट इवेंट वी हैव टू गो समवेयर एल्स, तो दैट ऑल्सो वी हैड टू अरेंज, तो वी डिड दैट। और अभी हम चल रहे हैं फिलहाल टू द इवेंट, तो लेट्स गो गाइस। वहाँ से हम आए और ये यहाँ का अभी नज़ारा है और मॉर्निंग में मुझे ऐसा लग रहा था कि बारिश हो रही है क्योंकि पूरी आवाज़ आ रही थी बारिश होने की। और अभी भी वहाँ से आप देखोगे तो पूरा गीला है और स्लिपरी बहुत ज़्यादा है, तो वाइल वॉकिंग यहाँ पे भी केयरफुल। लेट्स गो एंड हेड टूवर्ड्स आर इवेंट। So we have to go on third floor. Hello. एक्चुअली थोड़ा यहाँ पे क्लाउड बहुत ज़्यादा क्लाउड है, बादल है, फॉगी फॉगी है, तो हम नहीं यहाँ पे क्लियर विजिबल है, बाकी आप देख सकते हो। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? मतलब आप कभी मनाली गए हो, अगर आप नहीं गए हो तो आप मैक्लोडगंज जा सकते हो, हिमाचल में आ सकते हो, यहाँ पे सेम वाइब है। इनफैक्ट उससे अच्छा ही वाइब होगा क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग इससे हमने इंटरेक्ट किया हमको पता चला कि उनका भी यही कहना है कि यहाँ पे एक डिफरेंट तरह का वाइब है। अभी बज रहे हैं 12, दोपहर हो गई लेकिन अभी फॉग है, रात को थोड़ा थोड़ा सा ओस भी गिरा था और
बर्फ भी गिरी थी, यहाँ के लोकल लोगों से पता चला कि थोड़ा थोड़ा सा बर्फ भी गिरा था रात को और सुबह बारिश हुई थी। तो बहुत ही कोजी सा एनवायरनमेंट है। इफ़ यू वांट टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली विद योर लव्ड वंस, यू शुड डेफिनेटली कंसीडर दिस डेस्टिनेशन। इट इज़ अमेजिंग टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर पीपल एंड विद योर सेल्फ। Check with this guy, one second. Because can we go inside and explore by ourselves? Yeah, because we... यहाँ पर मूवी फेस्ट चालू था जिसमें कि तिब्बतन मूवी लगी हुई थी इन टू लैंग्वेजेस और इसी के लिए लोग यहाँ आए हुए थे। तो हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और इस कंप्लीट क्लब हाउस को हम एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स भी थे और बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने देखा और हम आपको दिखाते हैं। स्नूकर स्पोर्ट्स एंड दैट इज द रीजन वी चेक फॉर अ चार्ज। सो इट इज़ 90 rupees फॉर स्नूकर 1 hour एंड इट हैज़ पार्किंग बिहाइंड। अच्छा, ये होटल का ये साइड का व्यू, यहाँ पे ये रेस्टोरेंट लाइक फूड कोर्ट, ठीक है। एंड व्हेन यू कम हियर इट हैज़ वॉशरूम देयर एंड ये है टेबल टेनिस भी है यहाँ पे। वाह, दे वी हैव टेबल टेनिस हियर। मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ। टेबल टेनिस के रूम से हम बाहर निकलते हैं तो बाहर कुछ इस तरह का व्यू होता है। तो ये पूरा होटल है जहाँ पे आपको फिल्म फेस्टिवल भी है। होटल इनसाइड देयर इज अ पूल, देयर इज टेबल टेनिस, देयर इज ईटिंग एरिया। गाइस हमने लिया है गाइस टी और मशरूम मसाला, सबको थोड़ी क्रीम रही हुई है, चपाती सिंपल। देखिए कैसा है, टेस्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। चाय तो गाइस हमने प्लेट कर लिए रेडी, बाद में हम गाइस डाल लेंगे अन्य प्लेट पे और इन्होंने खाना भी शुरू कर लिया, ठीक है। तो ये बताएंगी, बताओ तुमको टेस्ट कैसा लग रहा है? तवा रोटी फुल होम मेड एंड
सब्जी स्पाइसी चटपटा एंड क्रीमी भी है, मतलब ऊपर से क्रीमी डाला है तो इट्स अमेजिंग। एंड वी हैव जीरा राइस अमेजिंग सीक और अलग अलग बना है एंड दिस इज तवा रोटी। तो ओवरऑल द मेन इज वेरी गुड रेस्टोरेंट फूड इज वेरी गुड इंडियन फूड है यहाँ पे आपको ये ढाबा है। तो शो यू द लोकेशन एंड एवरीथिंग वंस वी आर डन विद द फूड सच में बहुत रीजनेबल प्राइस में है। जब हम सभी बहुत ही रीजनेबल प्राइस में फूड है यहाँ पे और बहुत बढ़िया टेस्ट है। मैं अब तक जहाँ तक खाया जब हम यहाँ जानेंगे आपको हम बताएंगे कि आपको आना हो तो आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे आना है। ठीक है तब मिलते हैं आफ्टर लंच। ऑलराइट गाइज यहाँ पे आप सामने द क्लब हाउस है हिमाचल टूरिस्ट का द क्लब हाउस आप देख रहे हो उसी के सामने ये ढाबा है। ढाबा का नाम मैं आपको बता देती हूँ भीमसेन पंजाबी ढाबा जो कि वेज एंड नॉन वेज दोनों के लिए है। और यहाँ पे भी हैड फूड एंड द लंच वाज रियली ऑसम। यहाँ पे आपको लंच डिनर ब्रेकफास्ट एवरीथिंग यू विल गेट टू ईट हियर राइट फ्रॉम टी बेवरेज एवरीथिंग। तो आई विल शो यू द मेन्यू एज वेल। तो आई हैड द फूड जो मैंने आपको दिखाया एंड द टेस्ट वॉज रियली अमेजिंग। सो दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट ऑप्शन फॉर यू टू ईट वेन एवर यू विजिट दिस प्लेस। तो चलते हैं थोड़ा सा मैं आपको ढाबा दिखा देती हूँ एंड उनका किचन भी दिखा देती हूँ सो दैट यू विल हैव एन आइडिया। अब मेरे रास्ते में फिलहाल आ गया है डॉगी तो उसको हटाना है। तो अरे भाई साहब ये तो हट ही नहीं रहा है। यहाँ ये ऐसा यहाँ पे सेटिंग है पूरा और यहाँ पे बाहर भी चेयर दी हुई है जो कि बैठ के आप खा सकते हो। लेकिन बाहर बहुत ठंडा एनवायरनमेंट है, हवा ठंडी चल रही है इवन दो इट इज़ आफ्टरनून बट स्टिल। तो वी सैट हियर इन दी ढाबा एंड वी हैड तो दिस इज़ द अरेंजमेंट एंड वी हैड हम वो वाले टेबल पे थे एंड यहाँ पे आपको किचन मिल जाएगा। किचन में क्लीनिंग एंड एवरीथिंग। हाँ फूड में आप देख लो क्या है, ये सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल तो मिलते हैं। नेम है इसका, मेनू दिखा देते हैं। नेम इसका भीमसेन पंजाबी ढाबा मार्केट के साथ में मैक्लोडगंज का जो मार्केट लगा है उससे आप जब सीधा सीधा आएंगे तो जस्ट थोड़ा सा चल के आपको आना पड़ेगा आगे। जैसे कि आप बता दो कहाँ पे है। डोलमा चौक के बगल में। अच्छा हाँ मैंने लैंडमार्क बताया है वो रहा द क्लब हाउस के सामने है। टेस्ट बहुत बढ़िया इनका। हाँ आई लाइक द फूड। हमने जो भी खाया टेस्ट अच्छा था इसीलिए हमने सोचा कि विल शो यू। अगर आप जब भी आओगे तो यू कैन कंसिडर दिस ऑप्शन। यहाँ पे आपको इंडियन खाना वेज नॉन वेज दोनों मिल जाएगा। तो ये रहा एंड अगेन बालकनी है पीछे। कैश पेमेंट एंड ऑनलाइन पेमेंट इज अवेलेबल। सो मीनवाइल ही इज डूइंग द पेमेंट। लेट्स जस्ट गो एंड सी द बालकनी। सिर्फ व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ। ओ माय गॉड सी पूरा फॉग फॉग है इसीलिए हवा ठंडी चल रही है और कुछ इस तरीके का है। वेरी रिजनेबल प्राइस। चाय का टेस्ट अमेजिंग था। वी लव द टी। अभी हमने यहाँ पे होटल में भी चाय पी बट वो चाय बहुत महंगी थी। यहाँ पे जो चाय मैंने पी इट वॉज अमेजिंग। सो यस यू कैन कंसीडर दिस ऑप्शन। तो ये भी एक ऑप्शन है। बाकी सिटी टेबल नेटवर्क की जो
लगा हुआ है। जहाँ पे ये कार जा रही है ये आपको वो लेफ्ट साइड, और इसके अलावा मेन पॉइंट रेस्टोरेंट है ना, ये भी बहुत बड़ा सा रेस्टोरेंट है, इसी के सामने, तो यू कैन कंसीडर दैट ऑप्शन। और इसी के लेन में ये एक और पूरी मार्केट अंदर तक जाती है, दैट साइड। यहीं पे हमारा हिमाचल टूर का ये पांचवा एपिसोड भी खत्म होता है, एंड आई विल कीप कमिंग बैक विद सच मोर वीडियोस। और जो अगला पार्ट होगा हिमाचल टूर का वो आपको सुपर सुन देखने मिलेगा। सो यस, अगर आपने वीडियो एंजॉय किया है एंड इफ यू लाइकिंग द ट्रिप एंड लाइकिंग द वीडियोस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट येट, एंड डू प्रेस द बेल आइकन एज वेल। एंड यस गाइस, आई विल सी यू सुपर सून। एंटिल देन आप एंजॉय कर सकते हो ये वाला पार्ट एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग।